डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाएं संपन्न न होने की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य गर्त में जा रहा है। परीक्षा न होने की वजह से उनके अगले सत्र की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाएं संपन्न न होने की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य गर्त में जा रहा है। परीक्षा न होने की वजह से उनके अगले सत्र की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय अभी तक एजेंसी का भी चयन नहीं कर पाया है। छात्र छात्राओं के फॉर्म भरे जाने हैं और उसके बाद उनको प्रवेश पत्र भी दिए जाने थे, लेकिन अभी तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। हाँ, छात्रों का बहुत ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आगरा कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। आगरा कॉलेज अपने 200वें वर्ष में प्रवेशित हुआ है। सभी में एक अलग ही उमंग और अलग उत्साह है और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये न केवल 200 ये हजारों वर्ष पूरा करे। बच्चों को यही बताया है कि सबसे पहला तो एक अच्छा व्यक्तित्व होना भी बहुत आवश्यक है और उसके साथ साथ उनको स्टार्टअप्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है और स्किल की ओर भी ध्यान देना चाहिए अपनी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ। सेमेस्टर एग्ज़ाम बहुत जल्दी होंगे, हमारी तैयारी चल रही है। काफ़ी सारी योजनाएं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पे काम हो रहा है। देखिए, बहुत जल्दी आप लोगों को सूचना। आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थान और 411 कॉलेज में कुल मिलाकर करीब 4,00,000 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। जनवरी महीने में 2023 के स्नातक और परास्नातक की सेमेस्टर परीक्षा पूर्ण कराई जानी थी और इसकी तैयारी प्रथम सप्ताह से होनी थी, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय इसमें एक कदम आगे भी नहीं बढ़ा है। सिलेबस तो देखिए, आपको BOS ने सबने बना दिया है और BS दे दिया है और अगर किसी का BOS नहीं हुआ है और BOS या रह गया है तो वो जानकारी मिलेगी तो करा दिया जाएगा, लेकिन मेरी नज़र में सारी BOS हो चुकी हैं क्योंकि बच्चे सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में प्रवेशित हो गए हैं तो सिलेबस पूरे बन चुके हैं। अभी डेट डिक्लेयर नहीं की है तो बच्चों की बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है उनको समय दिया जाएगा और सभी को डायरेक्शंस दे दिए हैं कि उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर और जितना भी शीघ्रता से कोर्स कंप्लीट किया जा सकता है उनका करें और जो रेजिडेंशियल विंग है यूनिवर्सिटी की वहाँ पर क्योंकि जुलाई में एडमिशन हो गए थे तो हमारी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले रेजिडेंशियल विंग के स्टार्ट करा दिए जाए और तब तक यहाँ का सिलेबस की स्थिति पता चल जाए। आलम यह है कि सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म तक नहीं भरवाए गए हैं, जबकि परीक्षा फॉर्म भरवाने के बाद इन सभी को प्रवेश पत्र जारी होने थे और नोडल केंद्र व परीक्षा केंद्र भी तय किए जाने थे। सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए भरवाए जाने वाले फॉर्म में देरी का कारण एजेंसी का चयन न होना भी माना जा रहा है। सी न्यूज़ के लिए लक्ष्मी राज सिंह की रिपोर्ट।